आज माशाल्लाह पहली दफा हमारे सिंध के आईजी साहब यहाँ पर आए हैं। फातिमा कॉलेज हाउस एक बेहतरीन इदारा है और ये उन लोगों की जो लावारिस हैं और उनके जो अपने अकारिब हैं उन्होंने उनको अबंडन किया हुआ है, इन्होंने उनको सहारा दिया। असल में है तो ये आईजी सिंह, लेकिन इस वक्त ये वर्दी में नहीं है तो ये आपका बेटा है, आपका भाई है ये। आज जो है यूथ यूनिटी वेलफेयर की तरफ से जो है यहाँ पर खाना भी सर्व किया जा रहा है सब माओं के लिए। पूरी सोसाइटी को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो इनके लवाहिकीन हैं, जो इनके बेटे हैं, जो इनके बाप हैं, उनको चाहिए कि इनको खुद से ऑन करें। माँ बाप से बल्कि कोई भी नहीं है बेटा, हम किसी को ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं, किसी को समझाना भी चाह रहे हैं, प्लीज रोक लें अपने मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल, सदका अली हसनैन का देकर, सदका अली हसनैन का देकर, कर दो माला माल मदीने वाले मेरे लजपाल। आज माशाल्लाह पहली दफा हमारे सिंध के आईजी साहब यहाँ पर आए हैं। असल में है तो ये आईजी सिंध, लेकिन इस वक्त ये वर्दी में नहीं है तो ये आपका बेटा है, आपका भाई है ये। कोशिश करेंगे आपका यहाँ इस्तेमाल है बेहतर से बेहतर। कोई आपका कोई सवाल कोई मसला होगा बता। पाकिस्तान बना था तो वही वाले हालात और वाकया कब होंगे कराची? हर दौर के अपने मसले मसाइल चैलेंजिंग होते हैं। अब इस वक्त हम बहुत मुश्किल और भाई मैं ये कहता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है तब से हर आने वाला दौर पिछले में मुश्किल है। असल तो हमारे जो हुक्मरान है अवाम है तो कह देंगे हुक्मरानों को भी बुरा भला मत को, ये हमारे अमाल की शान है। अक्सरियत के अमाल जैसे होंगे वैसे हालात अल्लाह रब्बुल इज्जत होते हैं। मेरे लिए तो जीते हैं सब जहां है जिंदगी का मकसद और उनके काम आने इसकी सलाफत है। इसी में मैं आपको बातें से बते इबादत से जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिल जाता है। ये जो आपकी खिदमत है अल्लाह की कुर्बत अल्लाह के जो है अपना ये हासिल करने का जरिया है। और आज खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से वो इन्हीं की तरफ से है, तो बहुत सारा दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने जो इनको मंसब दिया है अल्लाह ताला इनको और इज्जत दे। माशाल्लाह इनकी तरफ से जो है जो गजरे लाए गए हैं वो हाजरा सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं माशाल्लाह। और इस तरफ जो है वो फरजाना माँ सबसे जो है उनके तारुफ करा रही हैं। मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल, सदका अली हसनैन का देकर, सदका अली हसनैन का देकर, कर दो माला माल मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल। तन मन धन सब अपना लुटा कर, आपके इश्क में खुद को मिटा कर, आपके इश्क में खुद को मिटा कर, कोई बुल्ले शाह बना तो कोई कलंदर लाल मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल, मदीने वाले मेरे लजपाल। फातिमा कॉलेज हाउस एक बेहतरीन इदारा है और ये उन लोगों की जो लावारिस हैं और उनके जो अपने अकारिब हैं उन्होंने उनको अबंडन किया हुआ है, इन्होंने उनको सहारा दिया। हालांकि इनका काम तो बेहतरीन है, इन्होंने इंसानी खिदमत का एक बेड़ा उठाया हुआ है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि जो इनके लवाहिकीन हैं, जो इनकी औलाद हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनको खुद ऑन करें और उनको इनकी निगहदाश्त करें, केयर करें और इनको अपना इनका हिसाब दें और जो भी इनकी जरूरियात हैं पूरी करें ताकि वो लावारिस बन के यहाँ रहें, वारिस उनके हैं, वारिस अपना हक अदा करें, जिम्मेदारी। आज जो है यूथ यूनिटी वेलफेयर की तरफ से जो है यहाँ पर खाना भी सर्व किया जा रहा है सब माओं के लिए,
और उनके जो हैं जो चेयरपर्सन हैं उनसे भी जो है बात करेंगे। भाई पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है, और जो माएँ यहाँ पर रह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही रह रही हैं जैसे हमारे माएँ हमारे घर में रह रही होती, बल्कि उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ जिस अंदाज़ में इनको खाना सर्व किया जा रहा है, जिस अंदाज़ में इनको रखा जा रहा है, जिस अंदाज़ में इनको एक्टिविटीज़ दी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन जो है ना वो चीज़ें देखने को मिली, और बहुत खुशी की बात की। लेकिन एक दुख की बात यह है कि कुछ भी है लेकिन जो अपने होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। Exactly. और मैं पूरी सोसाइटी को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो इनके लवाहिकीन हैं, जो इनके बेटे हैं, जो इनके बाप हैं, या जो इनके जो भी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, अजीज़ व क़ारिब हैं, उनको चाहिए कि इनको ख़ुद से ऑन करें। अगर इनको ख़ुद से ऑन करेंगे तो ये इससे ज़्यादा बेहतर खुशी में और इससे बहुत ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी जो है अपने घर में गुजार सकेंगी। और बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला इनके घर वालों को इनसे मिला दें, जो लोगों ने इनको छोड़ दिया वो इनको यहाँ से ले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यहाँ विज़िट करने का। असर सबसे पहले तो ये कहेंगे बेटा कि औलाद के लिए कि अपना हक अदा करें, और प्लीज़ समझें इन वालदैन की रिस्पेक्ट, और इसे रोकें, माफ़ी मांग लें, गलती हुई है इसका वेट ना करें कि हमने बात की है तो हमारी माँ नहीं कर रही हमसे, कोई एक्स वाई जेड नहीं करता माँ बाप से, बल्कि कोई भी नहीं है बेटा, स्पेशली आपके लिए और फरजाना माँ के लिए। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, खुशामदी किया, मसरूफियात हैं हम लोगों के लिए, बहुत अच्छा लगा। अपने बुज़ुर्गों को अपने से जुदा नहीं करो, अपने से जुदा नहीं करो। मुझे पता है कि जितना इनका सब्र है ना, मैं कहती हूँ कहीं इनके सब्र से अल्लाह ना नाराज़ हो आपसे, और आपके वो टाइम आए कि आप माफ़ियाँ भी मांगो तो आपको माफ़ियाँ मिले। अपने पास रखो, उनकी इज्जत करो, उनकी कदर करो, उनकी कदर करो, उनकी दुआएँ लो। और सबको पासवर्ड देंगे। सर भाई देखें भाई, ये वादा पूरा हुआ, सरकार ने आपको बुला लिया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सुभान अल्लाह, 2025 के लिए जो है ये आज ही महफिल साज गई यहाँ पर, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह सब माशाल्लाह सब ज्वाइन कर रहे हैं माशाल्लाह। कितनी लम हो गई है मुस्कुराने लगी, दिल की एक एक कली मुस्कुराने लगी, तुम शमसो कमर देखो देखो जरा मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। माशाल्लाह, अब तबीयत खराब हो रही है, कैसे क्या है? ये आरजू है रूप मुसदर टहर, निकलना उधर रूप मुसदर टहर, तू निकलना उधर इतनी जल्दी विज्ञान चला। माशाल्लाह सब पढ़े जी।